हमीरपुर के सर्किट हाउस में पिछले 2 दिनों से आग का कहर जारी है। सर्किट हाउस के आसपास का जंगल पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, लेकिन वन विभाग और अग्निशमन विभाग जंगल में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं कर पाए हैं। जंगल की आग लगने से आसपास के क्षेत्रों में धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सर्किट हाउस की दीवारों के साथ आग पहुंच गई है। सूचना पाकर विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया है। फायर सीजन शुरू होने पर ही हमीरपुर मुख्यालय के नजदीक जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेज हो गई हैं। हमीरपुर के सर्किट हाउस के साथ लगते जंगल में पिछले 2 दिन से लगातार आग का कहर जारी है, जिसे बुझाने के लिए वन विभाग और अग्निशमन विभाग पूरी तरह से डट चुका है, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। जंगल में लगातार आग बढ़ रही है, जिसके चलते आसपास के रिहायशी मकानों को भी आग से खतरा बन चुका है। ना इसमें यह कि चल रहा है, सोच की तो बात है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, यही नहीं बचानी तो फिर क्या बचाना होता ना। इसमें यह है कि कुछ लोग तो लगा के कर रहे हैं आग ना, ये अब ये नीचे से जो आग आई है लगा के की हुई है किसी ने, ये है। इसमें तो बस आम पब्लिक का ही नुकसान है सारा, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, वो अपनी प्रॉपर्टी नहीं है, ये है ना। वहीं अग्निशमन विभाग के कर्मचारी ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि सर्किट हाउस की दीवारों के पास आग पहुंच गई है। सूचना पाकर विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत आग पर काबू पा लिया है। उन्होंने लोगों से अपील की है जंगलों में आग न लगाएं, जिससे पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने लोगों से सहयोग की अपील की है।